हेलो गाइस, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपने थंबनेल पर देखकर ये वीडियो क्लिक किया होगा और आपने डिस्क्रिप्शन तो पढ़ा ही होगा। ओबियसली आपने डिस्क्रिप्शन तो पढ़ा ही होगा। तो जैसा डिस्क्रिप्शन पे लिखा है गाइस कि MSI मदरबोर्ड में ये इशू कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि गाइस और भी बंदों ने वीडियो डाल रखे हैं पर किसी ने गीगाबाइट का मदरबोर्ड का डाल रखा है, किसी ने ऑरस का डाल रखा है और भी बहुत से गैलेक्स के मदरबोर्ड हैं। तो गाइस उनका बायोस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर आप किसी और मदरबोर्ड में ये इशू सॉल्व करना चाहते हैं और अगर आप जिस वीडियो को भी आप देखकर सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसने किसी और मदरबोर्ड के बायोस पे ये स्टेप्स आपको फॉलो करने को कह रहा होगा कि आप इसे फॉलो करोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, और आपका मदरबोर्ड अलग है तो आप वो स्टेप फॉलो ही नहीं कर पाओगे क्योंकि बायोज ही अलग है, सेटिंग्स ही अलग है, तो आप कैसे फॉलो कर पाओगे। तो गाइज मैंने ये वीडियो MSI मदरबोर्ड पे बनाया है। तो गाइज जैसा जैसा मैं स्टेप आपको दिखाऊंगा आप वैसे वैसे फॉलो कर सकते हो और आपका ये इशू विद इन 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज तो चलो मैं बताता हूँ कि ये इशू कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेरा पहले से ही सॉल्व हो चुका है। तो गाइज सिंपली मैं इसे कट करता हूँ, आपको मैं बस ये बताता हूँ कि क्या क्या स्टेप फॉलो करना है और आप जैसे कि आप उसे फॉलो करोगे और आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। और गाइज अगर कहीं कहीं वीडियो कट हो रहा है तो आप ये मैं समझना फेक है नहीं गाइज, बिल्कुल ये जेन्युइन है गाइज, ठीक है ओके। सो गाइज अब आपको सिंपली MSI के बायोज में जाना है। तो गाइज अब वो पहले वाले ओल्ड फैशन नहीं रहेगी, आप PC को रिस्टार्ट करोगे और फिर F1 F2 प्रेस करोगे तो आप चले जाओगे बायोज में। नहीं गाइज अब थोड़े MSI के मदरबोर्ड या फिर जितने भी आजकल के मदरबोर्ड आ रहे हैं वो थोड़े अपग्रेड हो गए हैं, तो आपको जैसे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ये ऐसे जाना है, आपको रिकवरी ऑप्शन में फिर आपको सेकेंड ऑप्शन रिस्टार्ट नाउ पे करना है, फिर आप सिंपली रिस्टार्ट आपको रिस्टार्ट नाउ पे प्रेस करना है और फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, प्लीज़ वेट। सो हाँ फिर कंटिन्यू और फिर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, कंटिन्यू, टर्न ऑफ PC, यूज़ आपको ट्रबल शूट पे जाना है और फिर आपको एडवांस ऑप्शन में जाना है और फिर यहाँ पे भी 6 ऑप्शन दिखेंगे, आपको UEFI फर्मवेयर सेटिंग में जाना है गाइस, ठीक है गाइस आपको प्रेस करना है, फिर आपको ऐसा रीसेट ऑप्शन आएगा, आपको रीसेट उस पर अगेन प्रेस करना है। गाइज मैं आपको ये MSI मदरबोर्ड के बायोज में जाने का आपको स्टेप बता रहा हूँ फर्स्ट, क्योंकि और गाइज आपको अगर और भी पता है आप जैसे सिंपली रीस्टार्ट नाउ शिफ्ट दबा के भी जा सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको फर्स्ट बायोज पे जाना है। तो गाइज आप देखो जैसे कि ये बायोज यहाँ पे MSI देखो क्लिक MSI, ये CPU ये सब आपका शो कर दिया बायोज। जैसे गाइज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये जैसे जिस पर मेरा कर्सर है, तो आपको उस पर सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद आपके पास आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखेंगे, इसमें आपको एडवांस में जाना है, एडवांस पे टैप करना है और फिर आपको यहाँ पे 4th ऑप्शन में इंटीग्रेटेड ग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको इस पर टैप करना है और टैप करने के बाद आपको 2 ऑप्शन जो जिस पर आप जा पा रहे होंगे, लेकिन ये जो 3rd ऑप्शन है UMA फ्रेम बफर साइज़ करके, ये आपको ओपन नहीं हुआ होगा, आप सिर्फ 2 पर ही जा पा रहे होंगे, ये आपको ओपन नहीं हुआ गाइज, आप टैप करके देख सकते हैं, अगर आपका ऐसा वैसा इशू है तो आप टैप करके देख सकते हैं आप नहीं जा पा रहे हो। तो सिंपली गाइज आपको ये 1st ऑप्शन पे जाना है, 1st ऑप्शन पे यहाँ पे आपको एक IGDP PEGP होगा, PEG आपका पहले उस पर सेट होगा, आपको सिंपली IGD पे करना है ओके सर गाइज। तो गाइज आपका ये 3rd ऑप्शन खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा मीन्स, और फिर UMA फ्रेम रेट पे जाना है और आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, 128 MB, 34 MB, 1 GB, आपको सिंपली 64 MB पे टैप कर देना गाइज, ठीक है 64 MB पे टैप कर देना है और फिर अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ऊपर कट ऑप्शन पे जाना है और आपको सेव कर देना गाइज, आपका सेव करना, सेव एंड एग्जिट करना गाइज, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं किया तो मेरा कुछ भी यू हैव नॉट मेड एनीथिंग चेंज इन दिस बायो सेट, और जैसा कि आपने चेंज किया है तो आपका लिख कर आ जाएगा कि यू हैव मेड सम चेंजेस, तो अब आपको सिंपली सेव एंड एग्जिट कर देना है और फिर ये आपको रिस्टार्ट होकर वापस विंडो पर लेकर आ जाएगा। तो आपको वेट करना है जब तक आपका PC रिस्टार्ट ना हो जाए, तो अगर आपने SSD ड्राइव लगा रखा होगा मतलब यूज़ किया होगा तो आपको जल्दी बूटेबल हो जाएगा, और ये अभी टाइम ले रहा है टाइम, ठीक है ओके। तो गाइज बूटेबल हो गया, तो सिंपली मैंने अपना पासवर्ड इंटर किया और पासवर्ड इंटर करने के बाद मैं आपको पासवर्ड शो करने से क्या हो जाएगा,
तो गाइज अब आपको एक दो बार रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आप अपने पीसी पे जाइए, दिस पीसी, और अपना प्रॉपर्टीज़ पे जाइएगा। अगर आपको चेक नहीं करना आता तो चेक ऐसे किया जाता है। देखो गाइज अब मेरा पहले से ही हुआ है, तो आपका जैसे यहाँ पे 7 पॉइंट मेरा 89 शो कर रहा है, आपका भी ऐसे शो हो जाएगा। शो क्या हो जाएगा, आप जितनी आपको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, 2 GB या फिर 2.0 GB या फिर 1.5 GB नहीं यूज़ कर पा रहे हो, आप यूज़ कर पाओ गाइज। तो गाइज ये बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक है, जेन्युइन मेथड है, आप ऐसे करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही गाइज, और गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, अगर आपका इशू सॉल्व हो गया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। ओके तो गाइज मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। ओके बाय बाय।